क्वेश्चन 18 में मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा है, बेसिकली टॉर्क मांगा है बच्चों। फोर्स का टर्म तो वेक्टर में रख दिया इसने, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस जगह पर मांगा गया है एट 2, 0, -3 अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मेरे कहने का मतलब है ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे बैठ के इस जगह पे आपको टॉर्क पढ़ना है। मतलब ये हो गया R1 और ये हो जाएगा R2, ठीक है। तो अगर अपन R वेक्टर को लिखेंगे जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा अपना आगे चल के, ये हो जाएगा R2 - R1, ठीक है, R2 - R1। सॉल्व कर लोगे तो ये और ये टर्म हो जाएगी, ये हो जाएगा R2 - R1, तो हो रहा है 2 - 2 ऑफ i, और ये हो जाएगा +0 - -2 j का पड़ रहा है, और यहाँ आ रहा है एक टर्म -3 - -2 k, कैंसिल हो रहा है ये। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ जे माइनस ऑफ के, आर का टर्म है बच्चों, इन दोनों से आर निकाल लिया अपन ने। अब टॉर्क लिखते हैं, फॉर्मूला होगा इसका आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। आप सॉल्व करिए इसको डिटर्मिनेंट का यूज करके, यहाँ हो जाएगा आई, फिर हो गया जे, फिर हो गया के, यहाँ भर दो आर को, यहाँ भर दो एफ को, पहले ये लिखा ना, तो हो जाएगा 0, 2 - 1, और ये हो रहा है 4, 5 - 6। सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, ये -12 - -5 ऑफ i, और आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा जे, ठीक है, ये हो जाएगा 0 - -4, ठीक है ना, और प्लस करके आ जाएगा अपना के, जो कि हो जाएगा 0 - 8। तो बच्चों आंसर आ रहा है अपना -7i, -4j, -8k, तीनों के तीनों टर्म नेगेटिव में आ रहे हैं, ये अपना टॉर्क है, और ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा इसका, 7i, 4j और 8k, ठीक है। आइए आगे देखते हैं।